दिल की सुनो। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है, बता दें आपको कि हाई वोल्टेज बिजली के तार गिरे हैं और कई मकानों में लगी है आग। बता दें आपको कि करंट से 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। भीड़ ने बिजली कंपनी पर अब गुस्सा निकाला है, मारपीट में 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं। दरअसल पूरा मामला सुजालपुर के भीमपुरा इलाके का है, जहां पर हाई वोल्टेज बिजली के तार नीचे गिरने से कई मकानों में आग लग गई, वहीं करंट लगने से 3 महिलाएं घायल हो गई हैं। इस पूरी घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने बिजली कंपनी की गाड़ी में जम करके तोड़फोड़ की, मारपीट में 3 बिजली कर्मचारी घायल हो गए। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने भी काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। यह आप तस्वीरें देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से ये घटना घटी है और हाई वोल्टेज तार नीचे गिर गया, कई मकानों में आग लग गई, 3 महिलाएं भी इसमें घायल हो गई। अब ये देखिए कि किस तरीके से मकानों में आग लगी और किस तरीके से सामान जो है वो जल करके खाक हुए हैं और किस तरीके से बिजली के नंगे तार नीचे गिरे पड़े हैं। इसके बाद बिजली विभाग पर लोगों का गुस्सा टूटा, लोगों ने बिजली विभाग की गाड़ी पर जमकर पथराव किए, मारपीट में 3 कर्मचारी घायल हुए हैं। पुरुषोत्तम हमारे सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। पुरुषोत्तम, इस वक्त क्या स्थिति है और गलती किसकी बताई जा रही है, कहां है गलती? सऊद, मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुजालपुर के भीमपुरा इलाके की घटना है। भीमपुरा में मदरसे के पीछे 11 KV के हाई वोल्टेज तार पूरी बस्ती के ऊपर से निकले हुए हैं और ये तार अचानक टूटकर गिरे और कई मकानों को अपनी चपेट में ले लिया। 3 मकानों में आग लगी थी जिसमें गृहस्थी का पूरा सामान जलकर राख हो गया है। 3 लोग करंट की चपेट में आए थे जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। और भीड़ जो गुस्साई भीड़ थी, जब एनपीपी के कर्मचारी और दल वहाँ सुधार कार्य के लिए पहुंचे तो एनपीपी की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है, एनपीपी के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है और 3 कर्मचारियों को इसमें चोट आई है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे पुरुषोत्तम। बढ़ते खबरों में आगे, बीजेपी विधायक विश्वास सारंग के जन्मदिन के मौके पर लगाए